Mommy sent it to you tomorrow. गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब लोग। आज है फ्राइडे। ओम को आज भी स्कूल नहीं जा पाया क्योंकि रात को ओम को बहुत खांसी थी, इसकी वजह से अच्छी तरह से सो भी नहीं पाया। तो अभी रामदेव चाय पी के अब फ्रेश हो रहा है एंड मैं बस अभी जो हम बैंगन के ओरा बनाते हैं, भरता बोलते हैं कोई लोग, वो बना रहे हैं। जैसे विंटर का टाइम आएगा हम ज़्यादा खाते हैं, वो सब काठियावाड़ी फेवरेट है सब लोगों का। तो बस कल की बहुत ही ज़्यादा वार्निंग दी गई है बारिश की सैटरडे मॉर्निंग को, तो हम वेट कर रहे हैं अच्छी सी आ जाए बारिश। तो आज का जो थोड़ा सा काम था वो सब फिनिश कर लेते हैं। अभी भी थोड़ी थोड़ी बूंदे गिर रही है, लेकिन कल की बहुत ही ज़्यादा जो विंडी में याहू में रामदेव रात को चेक कर रहा था, सभी जगह 100% रेन दिखा रहा है। तो अच्छा है हमारे एरिया में भी फाइनली बारिश आ जाए। तो एंड कल से हम की छुट्टी है, सैटरडे संडे तो छुट्टी होती है, तो हमको इनफ रेस्ट मिल जाएगा, तो वो भी अच्छा है। एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू एंड वी विल शेयर, आगे का रूटीन आपके साथ शेयर करेंगे। सो प्लीज़ से सब्सक्राइब एंड लाइक।
हेलो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं रोटी। बाहर बना रही हूँ, मोस्ट ऑफ टाइम गैस पे ही बनाती हूँ, लेकिन कितने टाइम से चूल्हे पर बनाई हुई रोटी नहीं खाई थी। इसका टेस्ट पूरा डिफरेंट होता है। एंड ओरा भी बनाया है, जो बैंगन का भरता बोलते हैं, तो अभी बस पापा 10 बजने वाले हैं। पापा और रामदेव सब अभी खाने को बैठने वाले हैं। ओम ने अभी चोकोज ले लिए, लेकिन ओम के लिए भी मैं रोटी बनाती हूँ। जैसे 3-4 छोटी छोटी रोटीज बना के उनके लेयर्स साथ में डाल देती हूँ, बीच में जो बटर होता है फ्रेश वाला वो लगा के, तो वो खा लेता है और वो सॉफ्ट होती है। एंड रामदेव को भी अभी भूख लगी होगी। आज थोड़ा सा लेट हो गया है और उसके बाद रामदेव को जाना है ना। मुझे पंप ठीक करवाने जाना है। पंप के लिए जाना पड़ेगा। कल की बहुत ही बारिश की वार्निंग्स दी गई है, तो मुझे जल्दी से ज़्यादा आटे का स्टॉक करना है। आटा स्टॉक करना ज़रूरी है, कितनी भी बारिश है। खाना मिलना चाहिए। कुछ लोग इसको जली हुई रोटी बोलते हैं, वैसे ये जली हुई नहीं, पूरी तरह से पकी हुई मैं बोलूँगा, क्योंकि चूल्हे पे जो रोटी बनती है वो इसी तरह फुली कुक्ड होती है। कोई कोई लोग यूज्ड होते हैं, जैसे थोड़ी सी कच्ची बोलते हैं, कच्ची रोटी खाने की आदत होती है, गैस से बनी होती, लेकिन इसमें थोड़ी सी ऐसे ही अच्छी पकती है, क्योंकि जो चूल्हे पे रोटी बनती है वो थोड़ी सी थिक होती है, जैसे हम गैस पे बनाते हैं उससे। मतलब जिसकी जो आदत उसको, उन लोगों को शायद वो पसंद होगी, लेकिन मुझे ये रोटियां और ये ऐसे बाजरे की रोटी भी पकी हुई ज़्यादा पसंद है, चूल्हे पे पकी हुई। अभी मॉर्निंग का खाना हो रहा है यहाँ पे। आज आंगन में जो हम गौ कल सेड़ी लेके आए गन्ने, वो भी क्लीनिंग चल रहा है उनका। वो सब हमारे जो गैरेज है यहाँ पे, जहाँ पे सारा चारा रखते हैं, वहाँ पे डाल रहे हैं। बस थोड़ी सी रोटी बाकी है बनाने की। जब टेस्ट करेंगे तो पता चलेगा कैसा बना। और मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट नहीं होता, सीधा खाना ही होता है। हैवी फूड बोलते हैं, जैसे छोटी सी ब्रेड खा ली या तो दो फ्रूट खा ले, यहाँ सीधा ही हैवी फूड पे मेन कोर्स पे अटैक होता है और भूख भी लगती है। थोड़ा बहुत काम जो होता है मॉर्निंग का वो करके। हाय ओम, क्या कर रहे हो? ओ, सीखी के लिए? ओके, रुको। अच्छा, यू आर गुड बॉय। ऊपर चढ़ के देना होगा ना, स्लोली। ओके, हाँ ऐसे कर दो, अभी आएगी। अब क्या बोलना होगा हमें? चकली मामा, फूडी टाइम। ओके, अभी अंदर आ जाओ। देखा मामा। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हमने ये मिक्सचर बनाया है। इसमें सिर्फ गोमूत्र है एंड जो खट्टी जो छास बोलते हैं हम, बटर मिल्क होता है जो हमने स्टॉक करके रखा है थोड़ा थोड़ा, जो बहुत ही ज़्यादा खट्टा हो जाता है। तो गोमूत्र एंड वो खट्टी छास को मिक्स करके हम 500 ml दोनों ईच लेना होता है, 500 ml छास एंड 500 ml गोमूत्र, तो हमने मिक्स कर दिया है। तो इसमें से 1 liter इस पंप में डाल के फिर पूरा पानी का भर देंगे। और ये बहुत ही इजी मिक्सचर है, वो भी हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन बीच बीच में कभी ये भी यूज़ कर रहे हैं। इसका मेन बेनिफिट यही है कि ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा है एंड एवरी 15 days हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए हम ये यूज़ करने वाले हैं। रामदेव भी गए हैं वहाँ पर, वो वाटर
होम फिक्स करवाने के लिए। ये है हमारे जो पार्टनर्स हैं, वो भी ये दवाई का छिड़काव करेंगे। सो थैंक यू। हाय होम, यू वेयरिंग योर न्यू शूज? इट्स नाइस, लाइक इट? ये कौन है आप? हैं? Who is strong? You strong or Nilesh Mama strong? Oh, Om is strong.